पापा अनुकुंशा एकादशी 2022। पापा अनुकुंशा एकादशी 2022 कब है? हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। जाने पापा कुंशा एकादशी का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापा कुंशा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापा कुंशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। इस साल पापा कुंशा एकादशी 6 अक्टूबर को हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पापा कुंशा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं। एकादशी का पूजा विधि विधान कैसे करें? सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। जय श्रीमन्नारायण।